यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज टिहरी के कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के जनप्रतिनिधि अपनी मनमानी पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने नियम कायदे ताक पर रखते हुए विभागों में टेंडर प्रक्रिया को ही खत्म करवा दिया है। किशोर ने कहा कि आज हर विभाग में वर्तमान विधायक के इशारों पर टेंडर केवल खानापूर्ति ही रह गए हैं। सारे टेंडर विधायक द्वारा अपने लोगों को दिए जा रहे हैं, इससे बढ़िया तो टेंडर प्रक्रिया ही खत्म करवा दी जाए। वहीं पूर्व प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी ने कहा कि आज वर्तमान विधायक व सरकार के नुमाइंदे चाटी डोबरा पुल को अपनी सरकार का बड़ा कार्य बता रहे हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि हमारी सरकार में चाटी डोबरा का कार्य शुरू किया गया था, उसके बाद डिजाइन फेल होने के बाद हमारी सरकार द्वारा बाहरी कंपनी को काम दिया गया। हमारे द्वारा किए गए कार्य को बीजेपी अपनी उपलब्धि बताकर जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है। कहा कि आज भी कई विस्थापित परिवार झील के मुहाने पर हैं, परंतु अभी तक उनका विस्थापन नहीं हो सका है, जो सरकार की नाकामी दर्शाता है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राकेश राणा, मुशर्रफ अली, पंकज रतूड़ी, ज्योति प्रसाद भट्ट, आशी रावत, नवीन सेमवाल, लक्ष्मी भट्ट समेत कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो ये आप लोगों को यहाँ पर तकलीफ दी अपने प्रेस के साथियों को, हमारे अध्यक्ष राकेश राणा जी और विक्रम नेगी जी के माध्यम से, हम परसों सारे कांग्रेस के जो जनपद के वरिष्ठ कांग्रेस जन जिलाधिकारी जी को मिले थे, और जिस तरह से उनके उन्होंने उनके बारे में एक अच्छी धारणा मिली है, मुझे भरोसा है कि उस धारणा को बना करके रखेंगे, क्योंकि वो हमारी तरह के परिवेश से निकले हुए व्यक्ति हैं। हम ये चाहते हैं कि हमने जितनी बातें वहाँ कही, ये शासन प्रशासन और सरकार, सरकार और शासन में अंतर होता है। शासन कंटिन्यूटी में चलता है, सरकारें आती जाती रहती हैं। तो नौकरशाही को, अधिकारियों को ये समझना चाहिए कि उनको किसी पार्टी नहीं बनना चाहिए किसी राजनीतिक दल के साथ। इसलिए हमने उनसे कहा है कि सम्यक भाव से सबको देखिए। यहाँ इस तरह की स्थिति बन गई पूरे प्रदेश में और जनपद में कि जो शासन का काम होना चाहिए वो पार्टी के रूप में हो रहा है, कि जैसे जो है राजनीतिक दल काम कर रहे हों। तो हमने आज इसलिए ये आप लोगों को तकलीफ दी, हमने उनको एक महीने का समय दिया है। हम नहीं चाहते कि भाई हमारी शक्ति व्यर्थ जाए, हम आंदोलन करें जो यहाँ की समस्याएं हैं, और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब मुझे PWD के बहुत से ठेकेदार मिले, उन्होंने कहा कि साहब हमारा तो जो है वो भगवान मालिक है, पहले तो सरकार बड़े बड़े ठेके लगा रही है, हमने तो उस समय जो है निर्माणाचार्य संघ बनाया था अपनी सरकार में जब बड़े ठेके लग रहे थे, और हमने उनको छोटे ठेकों में परिवर्तित करवाया। अब इस समय आप जो है वो जिसको कहे जो विधायक हैं सांसद हैं वो अगर कह रहे हैं तो तब जो है लोगों को ठेके मिल रहे हैं, नहीं तो नहीं मिल रहे, तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो इस तरह की जो विसंगतियाँ हैं उसके बारे में हमने उनको कहा है कि आप एक जो शासन का जो स्वरूप होता है उस तरह से काम करिए, पार्टी मत बनिए, और अगर इस तरह की बातें होंगी तो हम एक महीने के भीतर जो है, और उसकी शुरुआत भी हम PWD से करेंगे कि हम नीतों के लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा। कांग्रेस तो हमेशा ही जो है जनपक्ष और जन सरोकारों को लेकर के जो है वो उसके लिए संघर्ष करती रही है, और यहाँ पुनर्वास से लेकर के जितनी बातें हैं, अभी डोगरा चांटी पुल के बारे में विक्रम भाई कह रहे थे, सारा का सारा श्रेय जो है सुप्रीम कोर्ट को जाता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है प्रतापनगर के लिए, आप लोगों ने क्या किया है, तब केंद्र सरकार राज्य सरकार TSDC को कहा गया कि भाई आप कनेक्टिविटी के प्रस्ताव ले करके आई, तो तब चाहे डोगरा चांटी पुल हो, तब चाहे चिन्याली सौगा वाला पुल हो, तब चाहे घुंटी वाला हो, और उससे पहले भी ये प्रतापनगर वाला जो पीपल डाली वाला है जिसमें विक्रम भाई और इन लोगों का बड़ा योगदान है, तो जिनका योगदान है भूलना नहीं चाहिए, और उस पर हम विचार विमर्श करके फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। डोबरा पुल का निर्माण 2006 में कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया और 2007 में कांग्रेस की सरकार चली, कोर्ट के आदेश में इसमें सुनवाई हुई और हमारे
कांग्रेस के साथियों का बड़ा योगदान है, वोट में भी इस बात को रखा और कलेक्टर के नाम पर ये शुरू किया। लेकिन ये पुल 14 साल इसके निर्माण में लग गए, जिसमें 8.5-9 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। 2007 से और 12 के बीच में चूंकि कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इनको पुल स्वीकृत करके दिया गया, पूरी धनराशि दी गई, लेकिन जो निर्माण हुआ उसका डिजाइन फेल हो गया। ये 13 में जब उत्तराखंड में आपदा आई तो मैंने ही विधानसभा में सवाल किया कि इतने लंबे समय से डोगरा चाटी के पुल का निर्माण किया जा रहा, क्या ये पुल श्रीनगर के पुल की तरह तो नहीं बनाया जा रहा। तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी और इसके डिजाइन का क्रॉस एग्जामिन IIT खड़गपुर से किया गया। पता लगा कि इसका डिजाइन फेल है, जो निर्माण किया गया उसमें भारी वाहनों का आवागमन नहीं हो सकता है। फिर 3 बार देश के लेवल पर इसका टेंडर निकाला गया, लेकिन कोई इसमें आया नहीं। और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बिड निकाली गई तो कोरिया का कंसल्टेंट आया और उन्होंने इसका निर्माण शुरू करवाया, पूरा पैसा भी दिया, नया टेंडर किया गया। 2017 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस दौरान इन्होंने 2009 में भी BJP की सरकार थी, पूरा पुल का सामान खरीद लिया। इसके 2009 में जो सस्पेंडर और स्क्रू खरीदे गए उन्हें इस पर जोड़ दिया गया पुल पे, जैसे लोड बढ़ने लगा ये वो टूट गए और उसके कारण पुल फिर 1.5 साल डिले हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग श्रेय लेने का काम करते हैं, उद्घाटन करने का इनका अधिकार है, लेकिन श्रेय लेने का काम प्रताप नगर की जनता जो आज तक आवागमन के लिए तरस रही है, उसके लिए अगर कहीं बाधा कोई रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे। इन्होंने एक और बड़ा धोखा टिहरी जनपद के साथ किया है, भारत सरकार के जो ऊर्जा मंत्रालय, इन्होंने TSDC ने मैचिंग ग्रांट में 74.95 लाख रुपए की धनराशि देनी थी, वो डोबरा पुल पे नहीं दी इन्होंने। और आज चाहे वो नंदगांव के भूस्खलन से प्रभावित विस्थापित हो, चाहे वो उठड़ पिपोला के हों, खांड धारमंडल के हों, कंसाली के हों, रोलाकोट के हों या अन्य गांव, बहुत सारे गांव के कि जिनका इन्होंने मकान टूट गए उनका वैल्यूएशन किया, उनकी धनराशि 40% बिना किसी नियमों के रोकी हुई है, वो लोग तिरशंकु की तरह अटके हुए हैं, ना उनके लिए कहीं जमीन दी गई, ना उनके विस्थापन की कोई बात की जा रही है। और मुझे लगता है कि इस संबंध में न तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं न सांसद हैं, कोई चर्चा नहीं कर रही है, फाइलें दब के मर रही हैं और लोग इतने परेशान हैं, करें तो क्या करें। और ऐसी स्थिति में डोबरा का श्रेय लेने के लिए तो दिन रात होड़ लगी हुई है, लेकिन कुछ टिहरी के लोगों का भी तो होना चाहिए, उनके जो वास्तविक मांगे हैं, उनकी जो लंबित मांगे हैं, उनका निस्तारण किया जाना चाहिए। ये हमारा